वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का मुस्लिम लीग नून हल्का लिटराट के मशावरती इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म बोले, जिसने कुरान का हल्फ उठाकर तोड़ा उसने अपनी आखिरत खराब की। चौधरी शहजाद के वालिद ने बिस्तरे मर्ग पर उसका हाथ मेरे हाथ में दिया था और कहा था कि ये आपके हवाले है, लेकिन उसने इसका पास नहीं रखा, जिसका अफसोस है। लिटराट नून लीग का गढ़ है, इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन में जाएंगे और जमात कामयाब होगी। इस बात की खुशी है कि लीग की कारकुनान जमात के साथ खड़े हैं। सीनियर वजीर हुकूमत आजाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक ने हल्का LA 7 में 5 तालीमी इदारों की नई इमारतों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर ने कहा कि हम आवाम की खिदमत करते रहे और मुखालिफीन कुएं से किसी को निकालते निकालते खुद ही कुएं में गिर गए। हम आइंदा इलेक्शन में जीत कर उनकी घबराहट और गंदी जुबान का वोट से जवाब देंगे। हम अपने तमाम कारकुनान से अपील करते हैं कि इत्मीनान रखें, आइंदा भी जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। आजाद कश्मीर में नून लीग को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस जमात को अभी तक उम्मीदवार नहीं मिल रहे वो हमारा मुकाबला क्या करेगी। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जिसने मुस्तकिल सियासत में रहकर अवाम की खिदमत करनी है। वस्ती हल्के बाग शहदा और गाजियों की सरजमीन है। हमने वस्ती हल्के में बराबरी और मेरिट की बुनियाद पर तामीर और तरक्की के मनसूबा जात दिए हैं। वजीर इत्तला'आत आजाद कश्मीर राजा मुश्ताक अहमद मिनहास। वजीर जंगलात आजाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने MTBC के जेरे तमाम 25 लाख रुपए की लागत से बाग शहर के मरकजी पुल पर RCC गेट का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर जंगलात ने कहा कि MTBC का इदारा बाग के लिए एक नेमत है। हम हुकूमत आजाद कश्मीर की तरफ से चेयरमैन MTBC महमूद उल हक के शुक्र गुजार हैं, जिन्होंने बाग के लोगों के लिए मुस्बत काम और फलाही सरगर्मियों के लिए अपना किरदार अदा किया। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, किसी भी वबाई मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शरीयत का तकाजा है। कोरोना वैक्सीन हमें और हमारे प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए नहायत अहम है। कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में टेस्ट हो चुकी है और इसके कोई मुजर असरात नहीं है। अफवाहों पर कान न धरें। अगर आप मामूल की और बीमारियों से महफूज जिंदगी चाहते हैं तो देर मत कीजिए। करीबी तिबी मरकज से मुफ्त वैक्सीन लगवा कर कोरोना से निजात हासिल करें। याद रखें, सुस्ती या लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतना ही ज्यादा जो उसका बेनिफिट होगा। वी नो के एटलीस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन लगनी चाहिए और उसके बाद जो है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कम हो सकती है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 83 अमवात और 1893 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेज की तादाद 51,478 है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 10,184 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आजाद कश्मीर में भी अब तक मजमूई तौर पर कोरोना से 550 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज आजाद कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों समेत जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सियाहत का शौक जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर कर सकता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग सफर करते हैं वो कई परेशानियों समेत दिल के अमराज से भी महफूज रहते हैं। सफर के दौरान आप मुख्तलिफ लोगों, रवैयों, हालात, मनाजिर, इकदार, तजर्बात, सकाफतों, रिवायतों और जुबानों का तजर्बा करते हैं। मुख्तलिफ माहौल आपको बहुत कुछ सिखाता है। सीखने के अमल से दिमाग भी चाको चौबंद रहता है। पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले जारे मिजाज बल्लेबाज आजम खान का कहना है कि एक दिन में 100 छक्के मारने की प्रैक्टिस करता हूं। अगर प्रैक्टिस में 100 छक्के मारने की कोशिश करूंगा तो मैच में 10 से 20 छक्के मारने के काबिल रहूंगा।